बड़ी खबर आ रही सिद्धार्थनगर से, आपको बताते चले कि बाढ़ की समस्याओं से निजात पाने के लिए लोगों के द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन, साथ ही चक्का किया गया जाम। सिद्धार्थनगर बाढ़ की समस्या से निजात न मिल पाने से ईटवा तहसील क्षेत्र के बाढ़ से प्रभावित रहे दर्जनों गांव के लोगों ने किया धरना प्रदर्शन, चक्का जाम। आपको बताते चले कि सिंगारजोत मंदिर पर सिंगारजोत शाहपुर मार्ग पर धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। नहर पर साइफान पानी निकासी बंदे के गेप को भरने को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सिंगारजोत के क्षेत्र में बाढ़ की पानी से बचाव हेतु प्रदर्शन, ग्रामीणों की मांग, अगर मांगे न मानी तो उग्र होगा धरना प्रदर्शन होता रहेगा तथा आने वाले चुनाव में चुनाव बहिष्कार करेंगे। और मौके पर पहुंचे एसडीएम कर्मेंद्र ने समझा बुझाकर मामला शांत कराकर आश्वासन दिया कि मामला संज्ञान में लेकर काम कराया जाएगा। जैसे शुक्ला जी ने अभी आपको बताया वही मांगे हैं, अगर हमारे यहाँ बांध का गैप जो कि स्वीकृत है लेकिन काम बहुत ढीला है, वो नहीं रहा, वो होना चाहिए। और हम लोग जब क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं तो हम जनता के साथ रहकर ही करते हैं, और हमारे जनता का ये मांग है कि अगर शासन एवं प्रशासन द्वारा बांध का गैप और नहर पे बड़े बड़े साइफन नहीं बनाए गए जिससे जल जमाव होता, हम लोगों का गेहूं भी नहीं पैदा हुआ, धान तो चला ही गया था। तो इस तरह जनता की मांग है कि अगर वो गैप पूरा नहीं हुआ, साइफन नहीं बना,